हाँ सही कहना जरा ना। चल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। ये हम इस टाइम बलेजा मीडोज में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा और डिस्ट्रिक्ट बटग्राम के संगम में दरमियान में। ठीक है, इस ये जो दरिया नज़र आ रहा है बीच में से गुजर रहा है मैदान के दरमियान से, इसके उस साइड पे डिस्ट्रिक्ट बटग्राम है और इस साइड पे डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा है। तो यहाँ के आने का एक्सेस, यहाँ एक्सेस का आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा जैसे आप एंटर होते हैं, मानसेहरा से आपने जबोड़ी की गाड़ी, अगर आप लोकल हैं, अपनी ड्राइव नहीं है आपके पास, आप जबोड़ी की गाड़ी में बैठते हैं, तकरीबन आप 1.5 घंटे में आप जबोड़ी पहुँच जाते हैं। जबोड़ी एक गाँव है जहाँ पर नेशनल बैंक की भी ब्रांच है और बाज़ार भी है, वहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी ख़रीद सकते हैं। जबोड़ी से आपने किसी भी गाड़ी में, कैरी हो आपके पास, जीप हो, जो भी हो, हर गाड़ी एक्सेस कर सकती है मुंडी तक। मुंडी एक गांव है जो जबोड़ी से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, और आप मुंडी से फिर आप अपना पैदल हाइकिंग का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, हाइकिंग वाले लोग आएँ, जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी को इन्जॉय करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई रोड नहीं आया हुआ, 4 घंटे की पैदल हाइकिंग है, यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो कोई रोड नहीं है, तो वही लोग आ सकते हैं जो हाइकिंग कर सकते हैं 4 घंटे की, हाइकिंग के शौकीन हो, हाइकिंग के शौकीन हो। यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, रोड नहीं है, तो कचरा वगैरह भी यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है। यहाँ पे आके आप मैदान देखते हैं, मैदान है, मस्जिदें बनी हुई हैं, बिल्कुल होटल वगैरह नहीं है, मस्जिदें बनी हुई है जगह जगह, 5-6 वो कच्ची जो मस्जिदें बनी होती हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक दुकान है और उसने अपना एक रूम भी बनाया हुआ कच्चा, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पेमेंट देके, 500-600 रुपए पेमेंट देके आप एक रात स्टे कर सकते हैं, 2 रातें करनी है, 4 रातें करनी है, जो भी। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी को, अनटच्ड ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं वो आए, वो लोग आए, पुरसकून जगह, बिल्कुल पुरसकून जगह है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई शोर नहीं है। ये कैमरामैन इनको दिखाएं, इधर ग्राउंड दिखाएं, सारा ग्राउंड दिखाएं, साइडों पे ये ऊपर पहाड़, ये जो टॉप आप दिखा रहे हैं, यहाँ से आप शिंक्यारी का और मानसेहरा का व्यू कर सकते हैं, और इसके बैक साइड से आप बटल का व्यू कर सकते हैं, और जो सामने टॉप है वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का, कोहिस्तान का व्यू कर सकते हैं। मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। काफी हाइट कितनी है इसकी? 9000 फीट हाइट है जी यहाँ की, 9000 फीट हाई, ऑक्सीजन वगैरह का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बर्फ़ भी नहीं पड़ी होती, मतलब आप मई से लेके अक्टूबर तक आते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, एक्सेसिबल है। ठीक है, मिल रही है लकड़ियाँ? हाँ निकाश भाई, लकड़ी मिल रही है? ये हमें पकाने के लिए लकड़ मिली है, कहाँ से मिली है? ये बहुत दूर से लेके आए, हाँ जो है ये, हाँ रास्ते पूरा, हाँ ये बड़ी मुश्किल से तोड़ के लेके आए। जंगलात तो बहुत ही घना, हाँ इसके साथ क्या करेंगे? बलेगा, बलेगा जलेगा। ये जो नीचे मैदान है, इस तरह के कई मैदान आगे हैं और इसी तरह के मैदान, एक मैदान इधर है और एक ऊपर वो धुंध में आ गया है, तो आपको यहाँ पे कई मैदान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों मस्किन भाई? यस सर। तो जब आप यहाँ मैदान में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको सामने छोटा सा होटल मिल जाता है, होटल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ गुजारा है, और उसके एक साथ रूम जो है वो होटल है और एक साथ जो है वो दुकान है, दुकान में आपको छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, तो जिनसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने साथ सामान लाना ज़रूरी है।
ये छोटी सी दुकान और इसके बाद एक छोटा सा होटल है कमरा। बहुत अच्छी जगह, ठीक है, फर्स्ट क्लास जगह है, बेहतरीन है। आप लोग समान रखो, वो बुखारी है तो उसे बालों को चकुल बनाओ। तो पूरा हमने 4 घंटे लगा कर हम यहाँ बलेजा के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो मैदान हैं बहुत ही बड़े बड़े मैदान हैं और कई ज़्यादा हैं, एक मैदान नहीं है। तो अभी शाम का टाइम है, हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल खाना खाएंगे, उसके बाद कल जो है फिर हमारे पास पूरा दिन है जिसमें हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे। यहाँ पे ग्राउंड है बने हुए, उसमें खेलेंगे। अगर आप इस तरफ से नीचे जाते हैं तो जबोड़ी मुंडी मानसरा वाली साइड आ जाती है। इसके अलावा आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो बटग्राम, अलाई और ये वाला इलाके आ जाते हैं। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो, किधर रहते हो? इधर। इधर ही के हो? नहीं नहीं, एल के। आल के हो? हाँ, एल के। अच्छा, तो कितने दिन यहाँ पे रहते हो? गर्मियाँ सारी यहाँ पे गुजारते हो? 4 महीने। 4 महीने। फिर कौन सा महीने में चले जाते हो? 10वें महीने। 10वें में। फिर यहाँ पे जो है ना, ये सब चले जाते हैं मेरे ख्याल से, माल मवेशी ले के। हाँ, बुहारी हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, 10वें महीने में सब लोग खा जाते हैं। अच्छा, आपका घर किधर है? ये ऊपर है। अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो फिर कर देंगे जी, मसला नहीं। हाँ, कर देंगे। सब बातों पर ही तो धूप में होता है, वैसे नहीं होता? वैसे चार्ज में तो नहीं होता है। अच्छा, वो सोलर वाला सिस्टम है। हाँ, छोड़ो नहीं। तो आप शाम 6 बजे का ये व्यू देख सकते हैं बलेजा के मुकाम पर। अच्छा जी, आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। अब हम उस पीक पे जाएंगे जहाँ पे शिंकारी मानसरा वगैरह नज़र आता है, उस पीक पे। उसके अलावा फिर हम इस पीक पे जाएंगे नारायण वगैरह देखने के लिए। उसके बाद उस पीक पे जाएंगे बटग्राम डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए, अलाई, और फिर इंशाल्लाह कल हमारी वापसी होगी नाश्ते के बाद। माशाल्लाह जी, यहाँ पे आप जब आते हैं तो रास्ते में कई लोग आपको जो है कोई चाय लेके आते हैं, कोई लस्सी लेके आते हैं। अभी ये छोटे बच्चे हमारे लिए लस्सी लेके आए हैं। क्या नाम है? ना दसो अपना ना दस। की नाम है? थोड़ा किना है उम्र। ये छोटे बच्चे हमारे लिए लस्सी लेके आए हैं। ये मैदान में क्रिकेट लगा हुआ है। ये इनके जो मुकामी हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओ, तो अभी हमारा यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, आप मेरी बैटिंग देखिए। लेकिन चलो मैं अंपायर हूं, खेलो। कीपर कौन है? शॉट है, शॉट है। 44 आगे खेड़ कौन सा जाने इधर नहीं कुछ भी निकल सर ना सी आपड़ा मैं खेसा तू ही बैठेंगे पहली लेग तो यार इस हरी कोई नहीं पहली
پہلی بیلڈنگ ہے پہلی ہے میں پھر پرا کھلنا ہے چارا ہو رہنا یہ تے نہیں لائے دینا کچھ بھی نہ چارا چوا دے گڈ سٹ کو پہنچنا چاہیے اچھا یہ کتنا ہو رہا ہے یہ ہلے یہ چار گینا رہے اوہ ویری چلا چلا چل چل مین کیا قانون ویڈیو ہم نے جیسا انہوں دو نا تو شاہین بھائی جب اتنی خوبصورت جگہ ہو اور ٹھنڈا موسم ہو تو پھر چائے کا کیا ذائقہ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے چائے کے بارے میں بہت مزہ آ رہا ہے زبردست تو ابھی شام کا ٹائم ہے ہمارا یہاں پہ دوسرا دن ہے تو انشاءاللہ ہم کل صبح سویرے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی شام کا ٹائم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں میدان ہے کھلے آگ لگی ہوئی ہے ٹھنڈ ہے کافی زیادہ ابھی کیا ڈیٹ کیا ہے مہینہ ہے 7/8/2022 7 اگست 2022 تو نیچے شہروں میں اتنی زیادہ گرمی تھی اور یہاں پہ ہم نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں ہاں ٹھنڈ ہے ٹمپریچر جو ہے وہ کافی